तुमको पैसा मिलता है ये यूट्यूब कंपनी वाले से पैसा मिलता होगा। हे गाइस गुड मॉर्निंग और सब लोगों को स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो हम हैं शिरडी साईं बाबा के पास, है शिरडी में, वो महाराष्ट्र में आते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। और अभी फ़िलहाल मैं जनरल वार्ड में सोया हुआ था क्योंकि कल यहाँ पर टेंट वगैरह लगाने के लिए नहीं दिया था इतना बड़ा ग्राउंड होते हुए भी। तो फिलहाल अभी निकलते हैं हम सीधे मंदिर की तरफ, दर्शन पाएंगे आज, और आज ही हम निकल पाएंगे तुलजापुर की तरफ। मैं नासिक की तरफ जाने की सोच रहा था, बाद में सोचा कि भाई नेक्स्ट टाइम आएंगे बारिश के मौसम में। हरिहर फोर्ट है ना, मुझे उसको उसके ऊपर ट्रैक करना है, लेकिन उसकी जो खूबसूरती है बढ़ती है बारिश के मौसम में। और बहुत ही ख़तरनाक एडवेंचर मोमेंट होगा और बहुत ही डेंजरस भी होगा क्योंकि वहाँ पर फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है बारिश के मौसम में। तो मैंने सोचा कि इसी का फ़ायदा लेते हैं, जितना मुश्किल हम लेते हैं ना उतनी मुश्किल से आगे भी बढ़ते हैं। इसी कारण से मैंने वो मुश्किल घड़ी चुनी है। देखेंगे इन फ्यूचर आना पड़ा तो नासिक, यहाँ से नासिक सिर्फ 100 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं वहीं पे जाने की सोच भी रहा था। कल रात स्काउट सफरिंग में बहुत दो तीन लोगों को मैंने रिक्वेस्ट भी डाल दी है। ये देखो, बाद में सोचा कि बारिश के मौसम में जाते हैं और वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और एक ज्योतिर्लिंग है शिव, भगवान शिव जी का, लेकिन कुछ नाम है उसका त्रिगणेश्वर कुछ है, बहुत दिन हो गए ना मुझे देखे तो याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पर भी जाना है, तो बारिश के मौसम में वहाँ पर थोड़ा सा लोग भी कम होते हैं, तो वहाँ पर जाके एक्सप्लोर हम आराम से कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर शिरडी में आप कैसे आ सकते हो, किस तरीके से यहाँ पर रह सकते हो, खान पान क्या क्या होगा, सब कुछ डिटेल में। तो अगर आप शिरडी आ रहे हो तो सबसे पहले आपको मुंबई से या फिर पुणे से अगर आ रहे हो तो वहाँ से आप लोग यहाँ पर बस एयरपोर्ट वगैरह सब कुछ है, लेकिन यहाँ से शिरडी से एयरपोर्ट की दूरी है 14 किलोमीटर। अगर आप ट्रेन वगैरह से आ रहे हो, यहाँ पर शिरडी को ट्रेन भी अवेलेबल है लेकिन टाइम टाइम पर बहुत लेट करके मिलती है। अगर बस से आ रहे हो तो बस होगी पुणे से धुले तक आती है, धुले से जब आती है तो रास्ते में शिरडी भी आता है, तो आप लोग बस से पुणे से भी आ सकते हो आसानी से। 200-400-500 रुपये में टिकट रहती है, मुझे इतना पता नहीं है, आप लोगों को पता है मैं भारत यात्रा करता हूँ, फिर भी मुझे जितनी जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से मैं आप लोगों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और अगर आप शिरडी पहुँच गए हो, शिरडी से यहाँ पर आप लोग अगर रहना चाहते हो धर्मशाला में, अगर आप लोग एक 2-3-4 आदमी हो फिर भी आप लोगों को जनरल वार्ड में रखा जाएगा। अगर एक साथ पूरे बस में 25-30 लोग हो तो आप लोगों को एक पूरा का पूरा हॉल दिया जाएगा सिर्फ 20 रुपये में। और अगर खान पान वगैरह खाना वगैरह खाना है आप लोगों को तो मंदिर में यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर खा के आना, और यहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं है, बस रहने के ठिकाने हैं, और यहाँ पर रह कर आप लोग आराम से शिरडी भी और साईं बाबा के भी दर्शन पा सकते हो। तो देखते हैं आप लोग, आप भी वहाँ पर मंदिर को ही जा रहा हूँ मैं, वहाँ पर कैसे क्या और दिखाना है दिखाऊंगा। तो भाई मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ मैं, और यहाँ पर आप लोगों को हर एक दुकान में लॉकर वगैरह मिल जाती है, और फ्री का दुकान वगैरह भी और मंदिर का फ्री का लॉकर भी रहता है, अगर आप लोग उसका भी लाभ उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो। साईं बाबा के मंदिर की तरफ जाते समय आप लोगों को साईं बाबा लगेज बॉक्स मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप लोग फ्री में लगेज वगैरह रख सकते हो। मोबाइल वगैरह के लिए सिर्फ 5 रुपये टिकट लेना पड़ता है, और हमें यहाँ पर मोबाइल वगैरह रख के अंदर चले गए थे हम दर्शन के लिए, और दर्शन वगैरह करके हम बाहर आ रहे थे तो भाई एक आंध्र प्रदेश की एक पूरी की पूरी सेना की तरह एक बहुत सारे भक्त आए हुए थे अपने पालकी लेके, पालकी बोलते हैं शायद उसे, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साईं बाबा का पालकी लेकर चल के पैदल यात्रा करके आए होते हैं यहाँ पर। दर्शन तो हो गई है हमारी, और अभी जा रहा हूँ भोजनालय, यहाँ से 800 मीटर पड़ेगा, और आप लोगों को ऑटो वाले बहुत दिमाग खाएंगे दर्शन की तरफ जाते समय। अरे यार थोड़ी सी तो दूर है, यहाँ तक चलने में क्या दिक्कत है आप लोगों को, इतने सी डिस्टेंस में आप लोगों को 30-40 रुपये देना पड़ता है, और वो लोग बताएंगे 3-4 किलोमीटर दूर है करके। तो चलिए भोजन करते हैं हमारे साईं बाबा का, और हम निकलेंगे बाद में तुलजापुर की तरफ, आज ही निकल जाऊंगा यहाँ से। साईं बाबा के भोजनालय की तरफ जाते समय जब साईं बाबा थे तब उनको मिलने के लिए बहुत सारे भक्त आया करते थे, तो उनको अपने हाथ से खाना बनाकर यहाँ पर दिया करते थे, वो भी फ्री में साईं बाबा जी। तो फ्री प्रसाद के लिए हमने टिकट ले लिए, आप लोगों को टिकट भी फ्री मिलता है। फ्री का भोजनालय टिकट लेके हम चले गए अंदर, यहाँ पर लाइन बहुत बड़ी रहती लेकिन हमारे समय में नहीं था, और अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और पानी का वेटर की तरह यहाँ पर आप लोगों का देखभाल किया जाएगा, खाना भी बहुत पेट भर के दिया जाएगा, वो भी पेट भर, इतना अच्छा खाना मैंने आज तक कहीं पर भी फ्री का खाना नहीं खाया है, बहुत सारा टेस्टी था। यहाँ पर ना पहले साईं बाबा खाना बनाकर भक्तों को खिलाया करते थे, लेकिन अभी भक्त यहाँ पर खाना खाते हैं, एक बार में 3,000 भक्त खाना खा के उठते हैं।
और देख सकते हो कितना बड़ा रसोई है यार। मैं तो जिंदगी में मैं तो कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा रसोई भी हो सकता है खाना खाने का। बहुत बड़ा है और खाने में कोई यानी कि क्वांटिटी वगैरह कोई ये नहीं है। टेस्ट में मस्त था, अच्छा बहुत टेस्टी खाना था। और ऐसे थाली को तो आराम से 120 रुपए लेते हैं बाहर। तो जहाँ पर खाना डालते हैं वहीं पर म्यूजियम है बाजू में, तो म्यूजियम देखने जाते हैं। लेकिन मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है और देखेंगे हमें किस तरीके से लगता है म्यूजियम और बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। म्यूजियम तो देख लिया और आप लोगों को इस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड की तरह जो पहले के सैनिक थे ना मराठा के, तो उसी तरह यहाँ पर सैनिक को देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। अंदर बुलाते हैं म्यूजियम को, आ जाओ अंदर ही म्यूजियम देखिए करके। लेकिन म्यूजियम का एंट्री फीस 10 रुपये रहेगा, तो एंट्री फीस देखिए आप लोग भी म्यूजियम का मजा ले सकते हो। लेकिन म्यूजियम बहुत खूबसूरत है। साईं बाबा का प्रसाद इतना टेस्टी था कि भाई मेरा पेट एक बार में भी नहीं माना। मैंने तो बाहर आते समय फिर से वापस टिकट लेके दो बार खाना खाया। भोजन करके वापस तो जा रहा हूँ भाई, लेकिन पैर इतनी खतरनाक रही है, बहुत गर्म हो चुकी है और इस रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ मैं, ताकि इसकी छांव जो है ना रोड पे थोड़ी सी पैर को चिपक नहीं रही, क्योंकि मैंने शूज वहीं पे रख दिया था बैग के पास, ले नहीं पाया यार। इतना खतरनाक जलन हो रही है ना यार। मेरे जूते मुझे मिल गए, डाल रहा हूँ फिलहाल। बहुत जलन हो रही थी और समय तकरीबन 3 बजने आ चुके, पता नहीं अभी 3 शाम तक कहाँ तक पहुँच पाएंगे। मैं तो जा रहा हूँ शिरडी से बाहर, अगर कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ बता देना कमेंट में, कि जो मुझे नहीं पता था वो मैंने जितना पता था मैंने आप लोगों को भाई सोरी में बता ही दिए। और वहाँ पर कुछ भक्त गीत भक्ति गीत चलते रहते हैं ना, तो उसी कारण से हमें वॉइस ओवर करना पड़ता है, ताकि कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। कॉपीराइट क्लेम यानी म्यूजिक कॉपीराइट आता है, तो उसी के कारण हमें वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल देखेंगे कहां तक जा पाएंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है और कोई गड़बड़ी नहीं है। शायद अहमदनगर पार कर देंगे, वही मुझे उम्मीद है और उसी का टारगेट रहेगा। यहां से तकरीबन 90 किलोमीटर है, 90-95, पता नहीं आई डोंट नो कब तक पहुंच पाएंगे। और कहीं पर देखेंगे यार कहां जगह मिलेगी, कहां पर ये करिए, कुछ प्लान नहीं है। कहां पर कैंपिंग करना पड़ेगा वो भी कुछ पता नहीं, देखते हैं। और यहां से हिचकिंग शुरू करने की सोच रहा हूं, कौन सी मिलेगी वो भी पता नहीं। कोई बाइक वाला मिले तो तकरीबन 1-2 किलोमीटर तो मिलेगा, तो चलिए हिचकिंग शुरू करते हैं आज के। कहां तक जा रहे हो? राधा मैं अहमदनगर इस पास आता है ना। चलो थैंक यू। चलिए फर्स्ट लिफ्ट मिल चुकी है आज की। धूप बहुत है यार यहाँ पर, मध्य प्रदेश में इतना कम है थोड़ा सा। चलो भाई ने हमने अपने पहले स्टॉप पे पहुँचा दिया, थैंक यू वेरी मच ब्रो। चलो चलते हैं, हमें जाना है सीधे। हाँ जी, ये वीडियो है आंटी। हाँ ये कर लो पहले। वीडियो बना दे घूमते ऑल इंडिया ट्रैवल, थैंक यू आंटी, चलता हूँ। शुजापुर जाना है आंटी जी को, समझ में आया कि हाथ में क्या है करके, इसलिए पीछे बुला रही थी। गजब बेइज्जती है। कैमरा है आंटी, कैमरा। कुछ भी पता नहीं है यहाँ के लोगों को, कि ये इसी तरीके से अजीब देखिए लोग पूछते रहते लोग। और बहन या बहुत लोग ऐसे पूछते रहते हैं, और पता नहीं महाराष्ट्र में बहुत लोग पूछ रहे हैं, वहाँ तो उस तरफ तो इतना पूछा नहीं कोई किसी ने भी, ये क्या है ये क्या हो करके। यहाँ पर हर किसी को भी पूछो और कोई भी व्यक्ति पुकार के पूछता है ये क्या है भाई करके। फिर मुझे रास्ते से गुजर रहे थे और शिरडी में हूँ अभी, हाथरा कुछ है ना इसका नाम गाँव का, राहता में हूँ। आगे आ चुका हूँ चल के, और होटल वालों ने बुला के रोक लिया और कुछ एनर्जी ड्रिंक लेते हैं यहाँ पर। भाई गर्मी बहुत है और धूप भी बहुत है यहाँ पर। उस तरफ इतना धूप वगैरह नहीं है, एमपी की तरफ उस तरफ वहाँ से हूँ मैं। तुलजापुर जा रहा हूँ अभी, और तुलजापुर के दर्शन होने के बाद वहाँ पर प्लान करना पड़ेगा नेक्स्ट कहाँ पर जाना है। तुलजापुर में गए ना आप? हाँ, तो मुझको एक कॉल करो, उधर जो मुख्य पुजारी है मेरे दोस्त है, वो दर्शन करवाते हैं। मोबाइल वहीं पर रखा गया, मोबाइल नंबर ले लेते हैं ऐसा है तो। भैया लोगों ने स्टिंग दिलवाई है और इन्होंने खाना खा रहे थे यहाँ पर, मैंने तो खा लिया है, वहाँ पर फुल पेट हो रहा है। बस आते आते हुए गर्मी ने ना पास प्यास बहुत लगी थी, मैं रुकने का ही सोच रहा था कहीं पर पानी पीने के लिए, उसी में आप मिल गए, थैंक यू। तो यहाँ पर स्टिंग पानी वगैरह लिया, और भाई अभी थोड़ा सा और एनर्जेटिक फील हो रहा है। तो ये कैमरा है भैया वीडियो बनाने का। भाई बहुत खतरनाक सा पेट टाइट हो चुका है, इतना टाइट कि क्या कुछ बोल नहीं सकता मैं, इतना टाइट पता है लग नहीं रहा, आई थिंक गैस हो गया है।
सच में बता रहा हूँ, अजीब सा ये फील हो रहा है, ऐसा नींद आती है ना, नींद की तरह फील आ रही है यार। और पेट तो पूरा टाइट हो चुका है और बार बार मुंह सूख रहा है, ताकि पानी प्यास लगती है ना उसकी तरह लग रही है। जितना भी पानी पी लो ऐसा ही लग देगा जब आपको पेट में गैस हो जाती है। मुझे स्टिंग नहीं लेना था शायद, कुछ स्प्राइट वगैरह ले लेता ताकि थोड़ा सा पेट ठीक हो जाता मेरा। कहाँ तक जा रहे हो? यहीं पे 5-1 किलोमीटर दूर। एक किलोमीटर दूर आ सकता हूँ? 4-5। थैंक यू, एक सेकेंड। चलिए एक और लिफ्ट मिल चुकी है। मैं कर्नाटक से हूँ भैया जी। वहाँ से निकलते ही आगे आ रहा था और भैया जी मिल गए हमें, और फिर से यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक चल रही है, स्प्राइट ली है भैया और मैंने। और भैया अहमदाबनगर से कब कहाँ तक छोड़ गया आप लोग? पास अभी पास एक और 1-2-3 किलोमीटर जी, और 1-2-3 किलोमीटर चलेंगे हम लिफ्ट से। और समय तकरीबन हो चुके हैं यार, 4 बजे जाएंगे वहाँ तक जाने तक हमें, और 4 से बाद में और 1 घंटा चेकिंग करेंगे, बाद में देखेंगे स्टे करना पड़ता है, पड़ सकता है वो भी पता नहीं। चलिए चलते हैं, शुक्रिया। अच्छा हाँ जी, अभी मैं कन्याकुमारी बारिश के मौसम में जाऊँगा, वहाँ पर तब अच्छा रहता है देखने के लिए। तो भाई हम पहुंच चुके हैं लोहारी, कुछ गांव है उसके पास ही, और ये पूरे का पूरा खेत अपन के लिए ही है, जहाँ चाहे वहाँ पर टेंट लगा और सो जाओ आराम से। लेकिन बात यह है कि हमें जगह मिल गई है स्टे करने के लिए, बहुत देर से आ रहा था मैं। थैंक यू सर, इन्हीं का खेत है तो इनके खेत में आज हम स्टे कर रहे हैं। धन्यवाद चाचा जी। मराठी आती है ना आपको? हिंदी नहीं आती? मराठी मुझे थोड़ी थोड़ी आती है बस। हिंदी हम तो थोड़ी थोड़ी दोनों का सेम है, बस थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। चलिए टेंट वगैरह कहीं पे लगा लेते हैं। तुम करते क्या हो? बस हवा निकल गई। ए, क्या ट्रैवलिंग? कहाँ से कहाँ तक? मैं अभी शुरुआत की थी गोवा से, और गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश अभी करना है, हो गया लेकिन वो भी, और अभी महाराष्ट्र आया हूँ। तुमको पैसा मिलता है ये? नहीं अभी कुछ नहीं मिलता, बस खुद के दम पे। ये यूट्यूब कंपनी वगैरह से पैसा मिलता होगा? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। नहीं यूट्यूब से भी नहीं मिलता अभी, वो यूट्यूब से मिलने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया पूरी करनी पड़ती है, चैलेंजेस रहते हैं उसमें, वो चैलेंजेस पूरी करना पड़ता है। अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, अभी तकरीबन 1.5 महीना जाएगा शायद, और ज़्यादा दिन जा सकते भी है, तब तक नहीं मिलेंगे। चलिए टेंट लगा लिया है खेत में पूरे के पूरा, और यहाँ पर सब लोग विचंबित होकर देख रहे हैं ये ऐसा कैसा हो गया। अजीब लगा आपको? हाँ अच्छा लगा या अजीब लगा? बहुत अच्छा लगा है टेंट देख के। चलिए अंदर जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और कुछ एडिटिंग की बाकी हो, और तकरीबन ना और 10 वीडियो एडिटिंग के बाकी है मेरे, बहुत काम भी करना है यार। पता नहीं यार आज बहुत थकान महसूस हो रही है। और समय कितना हो रहा है पता है आप लोगों को? समय हो रहा है 5:32, और इस समय मैं रेस्ट लेने की सोच रहा हूँ, और खाने वगैरह के बाद में देखेंगे। और कैंपिंग किस किस को पसंद आता है मेरा बताओ, और ज़्यादा अपडेट करने की कोशिश करूँगा अगर अगली बार कहीं पे मौका मिला तो कैंपिंग करने का। रात का बहुत दिनों हो गए ना मैं कैंपिंग का वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, तो देखेंगे कब अपलोड करने का मौका मिलेगा, शायद तुलजापुर में ही मिल जाएगा। तुलजापुर क्या है देखेंगे, प्लान है कुछ प्लान और कुछ चटपटा का बनाने का प्लान है। अगर आप लोग कमेंट में इस वीडियो के कमेंट में बताओगे 100% मैं बनाऊँगा। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो देखेंगे अगर कैंपिंग यहाँ पर ही कर पाऊँ तो नेक्स्ट व्लॉग आएगा ही, आप लोगों को पता है मैं तो पार्ट 2 बना ही देता हूँ कुछ ना कुछ करके। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को शिरडी का ट्रैवल वगैरह सब कुछ पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं ऐसे और मज़ेदार व्लॉग्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।